नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो साइंस और जनरल अवेयरनेस से लिए गए हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, जो दोस्तों बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूं। इसलिए दोस्तों, आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, याद करते हुए चलेंगे, और जिन प्रश्नों दोस्तों आंसर आपको पता होगा उसे आप कमेंट भी करते रहिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। दोस्तों, प्रश्न है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, तो आपको बताना है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट भी करते रहिए, और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम दोस्तों होता है रेनिन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है, जैसे दोस्तों शरीर में जो वृद्धि होती है, शरीर का विकास होता है, वो कौन सी दोस्तों यहां पे कह रहे हैं ना, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है, उस हार्मोन का रिसाव कौन ग्रंथि करती है। चारों ऑप्शन आपके सामने है और आपको क्या करना है, कमेंट भी करते रहना है। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, यानी कि पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि दोस्तों वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है, याद रखिएगा, बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है। लघु छिद्र जो होते हैं दोस्तों, पौधों के जो पत्ते होते हैं ना, उसके पृष्ठ पर लघु छिद्र होते हैं, उनका नाम क्या होता है। चारों ऑप्शन है, आपको क्या करना है, कमेंट भी करना है, और दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो जाएगा, रंध्र होते हैं, उनका नाम क्या है दोस्तों, रंध्र, ठीक है, यानी कि अस्टोमेटा होता है, अस्टोमेटा याद रखिए, जिसे रंध्र बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौथा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदेले पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा, चारों ऑप्शन को पढ़िए और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कंदीकरण, ठीक है, क्या कहलाती है प्रक्रिया दोस्तों, स्कंदीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, यानी शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया दोस्तों स्कंदीकरण कहलाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी बताया हूं, क्योंकि ये बार बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न क्या है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। दोस्तों शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न ये भी पूछा गया है। प्रश्न है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही रहता है, यानी समान रहता है फारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी, तो उसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा, आपको कमेंट भी करना है, ठीक है, और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -40 डिग्री। -40 डिग्री दोस्तों वह पाठ्यांक है जो उसका फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही रहता है, ठीक है, वह तापमान है दोस्तों जिसका पाठ्यांक फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर क्या रहता है, समान रहता है, -40 डिग्री, ठीक है, फारेनहाइट पे भी और सेल्सियस पे भी, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, सारे प्रश्नों को देखिएगा, लास्ट में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो बीच में स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक देखते रहिए। देखिए सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है, इसका कारण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन, अपवर्तन के कारण दोस्तों जो तरणताल होता है ना, वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये भी पूछा गया क्वेश्चन है और आपको याद भी होगा इसका आंसर। देखिए क्या है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो कौन देश है दोस्तों, वो अपना देश है, अपना देश कौन, भारत, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा आंसर, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, भारत का है, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का है, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
देखिए क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। चारों ऑप्शन को पढ़ना है और कमेंट करना है, ठीक है। और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है, किस रूप में घोषित किया गया है, एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, ये सिविल के एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दसवां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, याद रखिएगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन को याद रखिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। चारों ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें एक सही है, उसे आपको कमेंट करना है। और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस पे तीन टाइप के प्रश्न बनते हैं। देखिए पहला प्रश्न बनता है संघ, यानी संघीय सूची में कितनी मदें हैं, कितनी मदें हैं कहले या कितनी विषय हैं ये कहले, ठीक है, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। एक आता है दोस्तों संघ सूची, दूसरा पूछा जाता है राज्य सूची, और तीसरा पूछा जाता है समवर्ती सूची। तो देखिएगा संघ सूची में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो देखिए संघ सूची में दोस्तों कुल कितने विषय हैं, तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, संघ सूची में दोस्तों है 97, ठीक है, याद रखिएगा संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, तो 97। और राज्य सूची में दोस्तों कितने हैं, तो राज्य सूची में दोस्तों हो जाएगा 66, कितना हो जाएगा, राज्य सूची में है 66। और समवर्ती सूची में दोस्तों कितना है, समवर्ती सूची में है दोस्तों 46, ठीक है। कुल कितने विषय हैं, देखिए याद रखिएगा, तीनों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है संघ सूची में कितने विषय हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों 97। और दोस्तों उसके बाद पूछा जाता है राज्य सूची, राज्य सूची में कितने हैं, राज्य सूची में 66। और समवर्ती सूची में दोस्तों कितने विषय हैं, तो समवर्ती सूची में है ये 46, ठीक है। तीनों प्रश्नों को दोस्तों याद रखिएगा, तीनों प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, जो संघ सूची है दोस्तों, संघ सूची में 2A, 92A और 92B के रूप में 3 अतिरिक्त विषय भी शामिल किए गए हैं, लेकिन सूचियों की अंतिम संख्या 97 ही है, न कि 100 है। देखिएगा 3 अलग से दोस्तों ऐड किए गए हैं, लेकिन सूचियों की जो वास्तविक संख्या है दोस्तों, जो संख्या है वो 97 है, 100 नहीं मारेंगे। बहुत से स्टूडेंट होते हैं 100 देखते टिक कर देते, नहीं 97 ही है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा, आपको कमेंट भी करना है। और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग के कारण क्या हुआ दोस्तों, 1857 का तत्कालिक कारण था, ठीक है, 1857 जो विद्रोह हुआ उसका तत्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस का यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस वर्ष में हुई, ठीक है, जालियांवाला बाग के बारे में थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मैं जो बता रहा हूं, ठीक है। 13 अप्रैल दोस्तों सुनिएगा, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, दो स्थानीय कांग्रेसी नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने हेतु अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। यही जनरल आर डायर ने बिना चेतावनी दिए ही निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या करा दी। जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो इसमें दोस्तों आपको सारे प्रश्न याद हो गए, किसने गोली चलवाई थी दोस्तों, जनरल आर डायर ने, और किसने दोस्तों नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसके विरोध स्वरूप, ठीक है, ये याद हो गया। और दोस्तों ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इससे कितने रिलेटेड आपके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गए, सारे क्वेश्चन आपके अच्छे जो है वो तैयार हो गए होंगे, और इसे आप भूलेंगे भी नहीं, वीडियो को आप क्या करेंगे बैक करके भी एक दो बार सुन लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये सब प्रश्न दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को दोस्तों अभी लाइक कर दीजिए, अभी शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, और दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले नए स्टूडेंट दोस्तों उनके लिए बता दूं, उनके लिए दोस्तों पंचम पब्लिशर की
की बहुत ही अच्छी ई बुक आई है, उसके बारे में दोस्तों थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद दोस्तों आपको बताता हूँ 14 नंबर प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर का दोस्तों ई बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, UP SSC की एग्जाम देंगे, या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब दोस्तों एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर, इससे क्या होगा दोस्तों आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम रहेगा, तो इस ईबुक को लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा। दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयर्स और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों पंचम पब्लिशन इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने पर दोस्तों ई बुक आपको मात्र 25 रुपए मिल जाएगी। इस ई बुक को दोस्तों आप ले कहां सकते हैं, तो दोस्तों इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक के थ्रू इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये ई बुक है पीडीएफ नोट्स की तरह, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी, आपको मार्केट में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, या मार्केट में दोस्तों मिलती भी नहीं है बुक, ठीक है। तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है दोस्तों पंचम पब्लिशर का ये कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। दोस्तों इस ईबुक को मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट भी करना है, और इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अवसादी चट्टान। बलुआ, देखिएगा यहाँ पे प्रश्न को याद रखिएगा, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है, तो अवसादी चट्टान, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, जितने भी दोस्तों मैं इसमें शामिल करता हूँ सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं, उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया हूं, इसलिए आप सभी प्रश्नों को खूब अच्छे से देखिए, खूब ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। और दोस्तों आपको किसी विशेष चैप्टर में, विशेष टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस, कहीं से भी आपको दोस्तों किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो नीचे दोस्तों आप कमेंट भी कर देंगे, तो वो भी मैं चैप्टर क्या करूंगा, बहुत जल्द क्या करूंगा, कंप्लीट करा दूंगा। और दोस्तों इन सब प्रश्नों का आपको पीडीएफ चाहिए, सारे वीडियो के लिंक एक जगह चाहिए, तो टेलीग्राम का भी लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, टेलीग्राम को भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिएगा दोस्तों 15वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है दोस्तों, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? देखिएगा, कोई कोई व्यक्ति है उसे गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो उसे क्या परिणाम पड़ेगा उसके शरीर पे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी रक्त थक्का बन जाएगा और सभी धमनियां क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी, ठीक है। रक्त क्या होगा, रक्त थक्का बन जाता है गलत प्रकार का अगर जो रक्त दे दिया जाए तो, और सभी धमनियां क्या हो जाती है, सभी धमनियां जो होती है वो संकुचित हो जाती है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। देखिएगा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, वो नदी कौन है? तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा, कमेंट भी करना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, वो नदी है सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, महावीर ने डैश में निर्वाण प्राप्त किया था, महावीर ने निर्वाण कब प्राप्त किया था? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 527 ईसा पूर्व में, महावीर ने 527 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त किया था, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह ने, ठीक है। दिल्ली के पुराने किले के अंदर शेर शाह ने किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको कमेंट भी करना है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने कराई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, दिन और रात बनते हैं,
किसके कारण दोस्तों दिन और रात बनते हैं, चार ऑप्शन को पढ़ेंगे, कमेंट भी करेंगे और उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन गति के कारण दोस्तों दिन और रात बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है कौन है, मेघालय, कश्मीर में ले, कोरोमंडल तट, कोंकण तट। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है दोस्तों, इसको कमेंट आपको जरूर करना है, ठीक है। देखिएगा, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र कौन से, कश्मीर में ले, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान है, कच्छ है तथा सौराष्ट्र तट है, ठीक है, और तमिलनाडु का रायलसीमा क्षेत्र है। ये सब क्या है दोस्तों, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र है कौन कौन से, कश्मीर में दोस्तों लेह, उसके बाद पश्चिमी राजस्थान, कच्छ तथा सौराष्ट्र और तमिलनाडु का रायलसीमा, ठीक है। ये सब दोस्तों क्या है, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र है, नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन कराया हुआ है, और देखिएगा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न, मानव हृदय में कक्ष यानी चैंबर्स की संख्या है, कितने चैंबर्स होते हैं, कितने कक्ष होते हैं, तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा, कमेंट आपको जरूर करना है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव हृदय में कक्षों की संख्या जो चैंबर्स की संख्या होती है वो होती है चार, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, चारों ऑप्शन को पढ़िए, कमेंट करिए, ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, हिमालयी पर्वत श्रृंखला बलित पर्वत का उदाहरण है, बलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 24 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों बता दूं, जो दोस्त मैथ में वीक है, मैथ बेसिक से, जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए दोस्तों एक चैनल बनाया हूं जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, दोस्तों आप उस चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, कुछ दिनों में दोस्तों मैथ वहां जब आपकी सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी दोस्तों, आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे और भी बिना पेन उठाए, तो मैथ में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों उस चैनल पर जरूर जाए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। अब देखिएगा दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है, संविधान का दिल, यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, और दोस्तों यह प्रश्न ना बहुत बार पूछा गया, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, प्रश्न को एक बार और अच्छे से पढ़िए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है, इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कौन दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो थोड़ा सा कुछ इसके आंसर के बारे में पहले जान लीजिए, प्रश्न पढ़िएगा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो दोस्तों आपको बता दूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, महाभियोग की कार्यवाही संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिनों का नोटिस देना, ठीक है, 14 दिनों का नोटिस देना आवश्यक होता है, ठीक है, ऐसा लाने से पूर्व क्या होता है, 14 दिनों का नोटिस, 14 दिन पहले, ठीक है, आवश्यक है, इसके अतिरिक्त महाभियोग के संकल्प को संसद में कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर सहित प्रस्तावित होना चाहिए, ठीक है, तो आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है इसके द्वारा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संसद द्वारा, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये रहे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसमें और भी क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, और दोस्तों आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम होती है तो उस चैप्टर का नाम भी नीचे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये सब प्रश्न आपको दोस्तों अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप है उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब दोस्तों लिखा होगा, वहां पे आप दोस्तों क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, प्रेस करके उसे ऑन जरूर कर लीजिएगा, ऑन रहेगा तो आपको दोस्तों डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज आएगा, तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।